गुरु भगवान के शुक्राने हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16 श्लोक 1। श्री भगवान बोले, भय का सर्वथा अभाव। ये श्लोक दैवी संपदा के लक्षणों वाले हैं। दैवी संपदा अर्थात वो संपदा जो हमको या तो स्वर्ग की ओर ले जाएगी या मुक्ति की ओर ले जाएगी। स्वर्ग जाना है तो भी ये संपदा चाहिए और मुक्ति के लिए पुरुषार्थ करना है तो ये संपदा चाहिए। संपदा अर्थात संपत्ति या साधक के लक्षण। भगवान यह पहला कह रहे हैं, भय का सर्वथा अभाव, यानी साधक में भय नहीं होना चाहिए। चाहे जीवन ठीक चले, चाहे जीवन उसके हिसाब से या हमारे हिसाब से, जो हम कहते हैं ये पैसे वाला आदमी है, ये बड़ा सुखी है, ये अच्छा परिवार है। आजकल तो परिभाषाएं बदल गई हैं। पहले सद्गुणों के कारण अच्छा परिवार कहा जाता है, आजकल पैसे की अधिकता से अच्छा परिवार कहा जाता है। तो भय का अभाव, डर का ना होना, कुछ भी हो जाए, आंधी आए चाहे तूफान आए, हम ना रुकेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। तो ये है भय का सर्वथा अभाव, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना। अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता, हमारा अंतःकरण पूरा निर्मल हो अर्थात उसमें मल ना हो, जीवन पवित्र हो। मल है राग द्वेष, कामनाएं, क्रोध, अहंकार, मोह की प्रवृत्ति, लोभ की प्रवृत्ति, ईर्ष्या, दूसरों से नफरत, दूसरों को धक्का दे के आगे बढ़ना, चोरी, ठगी, बेईमानी, 420, ये सब मल हैं, दोष हैं जो साधक के अंतःकरण में नहीं होने चाहिए। तो भगवान ने कहा अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता। तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति। तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए, तत्व ज्ञान अर्थात अपने स्वरूप को जानना, तत्व क्या है, भगवान क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, मैं कौन हूँ, ये तत्व ज्ञान है। तो उसकी प्राप्ति के लिए कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, कहाँ जाना है, मेरा लक्ष्य क्या है, उसके लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति अर्थात परमात्मा के स्वरूप को तत्व से जानने के लिए सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में एक ही भाव से ध्यान की निरंतर गाढ़ स्थिति का नाम ही ज्ञान योग व्यवस्थिति समझना चाहिए। सात्विक दान, ऐसा दान जिसमें हमारा कोई सकाम भाव ना हो, अपनी कोई इच्छा ना हो, ऐसे व्यक्ति के प्रति दिया जाए जिसको हम जानते भी ना हो, और अगर जानते भी हों तो ऐसे भाव से दिया जाए कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, इसको आवश्यकता है, ये इसी का धन है जो मैं इसको दे रहा हूँ, इसमें मेरा कुछ नहीं है, तेरा तुझको अर्प दिया क्या लागे मेरा। सात्विक दान, बिना किसी इच्छा के सत्कर्म, अच्छा कर्म, अच्छी चीज़ देना। ये नहीं कि अगर किसी को फल देने हैं तो खराब से फल दे दिए, कपड़े देने हैं तो पुराने कपड़े दे दिए, उसमें कोई फटा भी है, ऐसा काम कभी नहीं करना चाहिए, इससे उल्टा पाप कर्म बनता है। इंद्रियों का दमन, अपनी इंद्रियों का वश में करना, हमारी आँखें क्या देखती हैं, हमारे कान क्या सुनना चाहते हैं, हमारी जिह्वा क्या खाना चाहती है, क्या स्वाद लेना चाहती है, किस तरफ लपलपाती है, भोजन पेट भरने के लिए होता है या भोजन स्वाद और अपनी इच्छाओं के लिए होता है। भोजन तो पेट भरने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए होता है, तो भोजन उसी प्रकार का अच्छा होता है जो हमारे शरीर को स्वास्थ्य प्रदान करे। भगवान, देवता और गुरुजनों की पूजा, पूजा है उनको मान सम्मान देना। जैसे भगवान का हर समय ध्यान बना रहे, भगवान से प्रीति हो, भगवान से अपनापन हो, अपनेपन का संबंध स्थापित हो, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, भले हम अपने को पुत्र माने, सखा माने, जो भी हमारे मन में आए वो भगवान से हम एक रिलेशन बनाएं और उस पर टिके रहें।
फिर देवताओं का पूजन कैसे होगा? देवताओं का पूजन तो पत्र, फूल, पुष्प या धन का चढ़ावा या प्रसाद का बांटना, ये सब देवताओं का पूजन है। और गुरुजनों की पूजा, गुरु की बात मानना ही गुरु की पूजा है। लोग गुरु को मानते हैं पर गुरु की नहीं मानते हैं, तो ये उनका पूजन नहीं हुआ, ये अविधि पूर्वक गुरु के पास जाना हुआ, अर्थात इस जाने का कोई लाभ नहीं। गुरु को जिनको हम मानते हैं उनकी बात भी ठीक ठीक माने। मन में कोई प्रश्न हो कि ये जो आपने बात कही ये मैं जीवन में नहीं लगा पा रहा हूँ, तो मुझे आप इसके बारे में बताइए, वो ठीक है। क्या हम गुरु से ये जानना चाहें कि ये चीज़ हमारे जीवन में नहीं उतर रही है, अब हम क्या करें? तो गुरु का वंदन करना, गुरु का सम्मान करना, गुरु की बात मानना, ये उनका पूजा है। तथा अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मों का आचरण, हवन, यज्ञ, अग्निहोत्र, दूसरों को कुछ देना, उत्तम कर्मों का आचरण, अच्छे कर्मों का आचरण, शुभ आचरण जो दूसरों को सुख दे, कुछ न कुछ जीवन में सामने वाले के उन्नति हो, चाहे वो धन से हो चाहे वो ज्ञान से हो, ये उत्तम कर्म है। तथा वेद शास्त्रों का पठन पाठन, अब ग्रंथ जो भी हमने अपने लिए चुना है, गीता चुना है, तो गीता का रेगुलर पाठ चलता रहे। नियम बना लें कि हमको आधा घंटा रोज़ गीता पढ़नी है, आधा घंटा रोज़ हम गीता पढ़ेंगे। ज़्यादा देर का नियम बनाना चाहें ज़्यादा देर का, जैसे आपको अच्छा लगे, जितना आपके पास समय हो। वेद शास्त्रों का पठन पाठन, और भी जो शास्त्र आपके हैं, और भी जो ग्रंथ आपके हैं, पर्सनल आपके हर घर के ग्रंथ होते हैं, उनको पढ़िए। सब ग्रंथ एक ही बात को कहते हैं, एक भगवान सत्य हैं और इस जगत सब सपना। तथा भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन, भगवान का नाम लेते रहना, भगवान के गुणों का कीर्तन करते रहना। भगवान अनादि हैं, अनंत हैं, सर्वव्यापक हैं, निराकार हैं, चेतन हैं, अजर, अमल, अविनाशी हैं, सच्चिदानंद स्वरूप हैं, चेतन, प्रकाश स्वरूप, अनादि, अनंत, सबके नियंता, सबका धारण पोषण करने वाले, दयालु, कृपालु, कृपा निधान, भक्तवत्सल, ये सब भगवान के गुणों का कीर्तन करना है, कि ऐसे विचार करना और ऐसे ही लोगों को बताना। स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन, हमने जो अपने लिए धर्म चुने हैं या जो धर्म हमारे सामने हैं उनके लिए कष्ट सहना। उदाहरण ले रहे हैं, जैसे एक पिता है, उसके पुत्र है, पुत्र को अच्छी पढ़ाई कराता है, अच्छी पढ़ाई के लिए धन भी काफ़ी खर्च होता है, और भी व्यवस्थाएं बहुत होती हैं, चारों तरफ की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी बहुत होती हैं, उसके लिए पिता को कष्ट सहना पड़ता है, आर्थिक भी, शारीरिक भी, मानसिक भी, सब प्रकार के कष्ट सहता है। अब हम लोगों का स्वधर्म है क्या? ये तो एक उदाहरण दिया आपको, पिता का धर्म, माता का धर्म होता है, भाई का धर्म होता है, बच्चों का अपने माता पिता के प्रति कर्तव्य होता है, धर्म होता है, सबके अपने अपने धर्म होते हैं। जिसके सामने आप हैं, माता पिता के सामने हमारे बेटा हैं, अपने बेटे के सामने हम माता पिता हैं, तो धर्म कर्तव्य बदलते रहेंगे जिसके सामने हम हैं। भगवान ने क्योंकि दैवी संपदा की बात की है, तो अब ये व्यावहारिक धर्म तो नहीं होंगे यहाँ पर, ये तो अपनी जगह हुए, ये तो संसार में हुए, समाज में हुए, व्यवहार में हुए। यहाँ जो भगवान ने बात की है तो उससे ऐसा स्पष्ट होता है, लगता है कि भगवान ये कह रहे हैं कि तुमको साधना जो करनी पड़ती है मुक्ति के लिए, उसके लिए तुमको कष्ट सहने पड़ते हैं, वो तुम प्रेम से सहो। मानसिक तौर पर भी कष्ट होते हैं, शारीरिक कष्ट भी होते हैं, आर्थिक संकट भी आता है, कमी भी आती है, उन सबको सहन करना ये हो गया। और शरीर तथा इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता, शरीर
और इंद्रियों को सरल रखना। इंद्रियों को सरल रखना क्या है, मन तो कुछ भी कहता है, पहनने को ये चाहिए वो चाहिए, खाने को ये चाहिए वो चाहिए, सुनने को ये चीज़ चाहिए वो चीज़ चाहिए, इनका सुनना उनका सुनना, संगीत सुनना। संगीत में भी तरह तरह के रस हैं, कौन सा रस किसको पसंद आता है। तो भगवान कह रहे हैं देखो जितना सरल रखोगे तुम, और शरीर को भी सरल रखना, तड़क भड़क की चीज़ें नहीं, ज़्यादा सुख आराम नहीं देना, ज़्यादा चटमली दे नहीं खिलाना। तरह तरह की चीज़ें खिलाओगे फिर पेट खराब होगा, चाहे वो अम्ल बने, एसिडिटी बने, या नींद ना आए, या और कोई कष्ट हो जाए, या कोई बीमारी हो, तकलीफ हो। तो ऐसा नहीं करना है, शरीर को इंद्रियों को सरल रखना है। मन वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी किसी को कष्ट न देना। अब आगे भगवान कह रहे हैं कि मन से भी हम किसी का बुरा ना सोचें, वाणी से हम किसी के प्रति बुरा ना बोलें, और शरीर को किसी प्रकार भी किसी को कष्ट न दें। पीड़ा देना, कष्ट देना, मारना, धक्का देना, ठगी करना, बेईमानी करना, ये कष्ट देना है। किसी को किसी प्रकार भी कष्ट न दिया जाए। यथार्थ तो प्रिय भाषण, जैसा सुना है या देखा है या इंद्रियों के द्वारा जैसे निश्चय किया गया है, वैसा का वैसा ही प्रिय शब्दों में कहने का नाम सत्य भाषण है। सत्य और प्रिय भाषण, तो यथार्थ तो प्रिय भाषण, अपना अपकार करने वाले पर भी क्रोध का ना होना। कोई हमारा थोड़ा बुरा कर दे तो क्रोध ना करें, ऐसा समझें कि इससे गलती से हो गया। समझा सकें तो समझा दें, बता सकें तो बता दें, और नहीं बताने की स्थिति है, नहीं बोल पा रहे हैं उसके सामने, उसने हमारा बुरा कर दिया है, हमारे अंदर क्रोध बहुत आ गया, लेकिन उसको शांत भाव से रख करके वहाँ से हट जाए। मुश्किल है परंतु दैवी संपदा का ही लक्षण है। कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग, मैंने किया मैं करता हूँ, कर्म जो शरीर करते हैं, करता है हमारा शरीर, उसमें कर्तापन का अभिमान आता है, मैंने किया, मैंने तुम्हारे लिए ये किया। जैसे कोई व्यक्ति, मान लीजिए सत्संग की संस्था है कोई, वहाँ जाए और 1,00,000 रुपये चंदा दे आए। अब जब कभी आए मिलने तो जताए हर बार, मैंने ना आपको तब 1,00,000 रुपया दिया था, मैंने ना तब आपको 1,00,000 रुपया दिया था, मैंने ना तब 1,00,000 रुपया दिया था, तो आपको लगेगा नहीं टूटा हुआ रिकॉर्ड बज रहा है। दिया था तो कोई मैं थोड़ी खा गया, जिनको दिया होगा वो सोचेंगे कि दिया था तो मैं थोड़ी खा गया, ये तो सेवा में लग गया, भाई आपके पुण्य बने, आपके पुण्य बने, आप खुश हो, मेरे को क्या जता रहे हो, मैंने थोड़ी खाया। ऐसे तो कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग, कुछ भी करके किसी के लिए हम अभिमान न करें। अंतःकरण की उपरति अर्थात चित्त की चंचलता का अभाव। अब भगवान कह रहे हैं कि अंतःकरण हमारा उपराम हो, यानी हमारा चित्त चंचल ना हो, इधर उधर ना भागे। अगर हम ध्यान कर रहे हैं तो ध्यान में रहे, चिंतन कर रहे हैं तो चिंतन में रहे, भगवान के बारे में सोच रहे हैं, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, मेरा क्या कर्तव्य है, क्या धर्म है, मुझे क्या करना चाहिए, भगवान तक मैं कैसे पहुँच सकता हूँ, अपनेपन का संबंध मैं कैसे स्थापित करूँ, तो ये जो चिंतन चल रहे हैं ये लगातार तेल धारा वज्र से कहते हैं चलें, इनमें चंचलता ना हो, बार बार मन भटक गया भाग गया, कोशिश करें सावधान रहें, पूरा जागे हुए और चिंतन को ठीक प्रकार से करें। तो यह है अंतःकरण की उपरति अर्थात चित्त की चंचलता का अभाव। आगे भगवान कह रहे हैं किसी की भी निंदादि न करना। हम लोग के साथ कोई बात हो जाती है तो हम झट दूसरे की निंदा करने लग जाते हैं, अब ये बुरा करना हो गया। जैसे बात चलती है कि बुरा न देखना, बुरा न सोचना, बुरा न करना, बुरा न चाहना, तो इस तरह बातें हैं, किसी की बुराई न करना, तो 5 बातें हैं, तो इनमें से बुराई करना हम लोग कर जाते हैं।
तो इस पे ध्यान देना चाहिए कि कुछ हो रहा है, ठीक है अपने तक रखा और बात खत्म। सब भूत प्राणियों में हेतु रहित दया, फिर सब प्राणियों में स्वार्थ से रहित दया, इसलिए नहीं दया करते कि हमारे पुण्य कर्म बनेंगे, हमारा अच्छा कर्म बनेगा, नहीं, हेतु रहित दया का भाव, सब सुखी हों, सबको शांति मिले, सबका प्रेम भगवान से हो, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, जरा भी किसी को दुख ना मिले भगवान। अब हम सबका भला चाहेंगे तो हमारा भला उसमें निहित है, समाया हुआ है। इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर भी उनमें आसक्ति न होना। अब चारों तरफ विषय हैं, अब और हमारी इंद्रियां बाहर मुखी होती हैं, इसमें किसी की गलती नहीं है। ये इंद्रियां जो संसार तत्व है, पांच तत्वों से निर्मित संसार जो है, सेम ये हमारी इंद्रियां हैं, यानी एक ही जाति के हैं ये। हमारा मन, हमारी इंद्रियां, हमारी बुद्धि, हमारा अहम, हमारी सोच, हमारा शरीर, ये सब एक ही जाति के हैं, प्रकृति के अंग हैं। तो ये और संसार एक हैं। इंद्रियों का जब विषयों के साथ संयोग होता है, संसार में विषय हैं, हमारी इंद्रियां हैं, संयोग होता है तो उनमें चाहना कामना उत्पन्न होती है, और कामना पूरी होने से आसक्ति होती जाती है। भगवान कह रहे हैं आसक्ति का न होना, तो हमारी आसक्ति न हो इनमें विषयों में। अब वो जब नहीं होगी, जब हमारी इच्छा नहीं होगी उनमें जाने की, फिर भगवान कह रहे हैं कोमलता, सॉफ्टनेस, अपने व्यवहार में, आचरण में, जीवन में कोमलता हो। कोमलता में ये भी आ जाता है किसी का बुरा ना चाहना, किसी का बुरा ना करना, किसी के बारे में बुरा ना सोचना, किसी की बुराई ना करना, ये भी कोमलता में आ जाएगा। कोमल व्यक्ति, सॉफ्ट व्यक्ति दूसरों की बुराइयां नहीं करता है। लोक और शास्त्र से विरुद्ध आचरण में लज्जा, लोक मर्यादाएं हैं, है ना, समाज है, समाज की नीतियां हैं, कुछ कायदे हैं, तो इसको लोक कहेंगे, इस लोक के की बातें, तो जो कही गई हैं, बड़ों ने कही हैं, हमारा समाज कहता है, हमारे ऋषि मुनि कहते हैं, उस लोक और शास्त्र से विरुद्ध आचरण में लज्जा। शास्त्र कहते हैं ऐसा करो ऐसा नहीं करो, तो उनकी बातों को न मानना शर्म आनी चाहिए अगर हम लोक मर्यादाओं को और शास्त्र की बातों को नहीं मानते, तो हम उनके उल्टा चल रहे हैं, हमारे ऋषि मुनियों के विपरीत चल रहे हैं, तो इसमें शर्म आनी चाहिए। और व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव, बेकार की चेष्टाओं का अभाव, जैसे मान लीजिए हमारे एक बिजनेस चलता है, ठीक चलता है, हमारे रहने खाने को बड़े आराम से है, हमारा जीवन शांतिपूर्ण है, सत्संग भी मिलता है, अच्छा चल रहा है, अब हमने एक काम और छेड़ लिया, अब हमारी शांति चली गई, मन उसमें चला गया, सत्संग छूट गया, तो ऐसी मूर्खता नहीं करनी चाहिए। यहाँ भगवान कह रहे हैं व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव, देवी संपदा के लक्षण हैं। फिर भगवान कह रहे हैं तेज, श्रेष्ठ पुरुषों की उस शक्ति का नाम तेज है कि जिसके प्रभाव से उनके सामने विषयासक्त और नीच प्रकृति वाले मनुष्य भी प्रायः अन्यायाचरण से रुक कर उनके कथनानुसार श्रेष्ठ कर्मों में प्रवृत्त हो जाते हैं। ये तेज होता है उनका। वृंदावन में एक बाबा जी को मन कर रहा था कि मैं आज रात को राधा रानी के मंदिर में शयन आरती से पहले एक उनके बढ़िया फूलों की माला पहनाऊं। बहुत ज़्यादा मन था उनका, पैसे थे नहीं पास में, खरीद के पहना नहीं सकते थे, तो अब वो खड़े हो गए, वो जो बढ़िया सा बगीचा था उसके बाहर सड़क पर खड़े हो गए। इतने में ही चार पांच चोर जो हैं उधर से निकले, चोरी करने के भाव से बात करने लगे वहीं पास में खड़े होकर के। इन्होंने सुन लिया ये चोरी करने के मूड में हैं, पहुँचे उनके पास, भाई मैं भी चोर हूँ मुझे भी शामिल कर लो,
तो उन्होंने कहा आप कौन हैं, क्या नाम है आपका, तो बता दिया अपना नाम, बाबा जी हैं। अरे भाई बाबा जी तुम क्या चोरी करोगे? बोला मुझे फूलों की चोरी करनी है बगीचे से। तो उन्होंने कहा फूलों की चोरी, इससे क्या होगा, इससे क्या हम कमाएंगे खाएंगे, जा जा भाग जा। तो उन्होंने कहा कि मुझे थोड़ी सी मदद कर दो, मुझे थोड़े फूल चाहिए, मुझे मंदिर में राधा रानी के चढ़ाने हैं और शयन आरती का टाइम हो रहा है, सर्दियों के दिन थे, जल्दी रात हो जाती है और शयन आरती लगभग 8 बजे होती है, तो ऐसे टाइम। तो उन्होंने कहा चलो अच्छा इसकी मदद कर ही देते बाबा जी की। तो चढ़ करके उतर करके उधर और फूल चुरा करके उनको दे दिए, चलो बाबा जी ले जाओ मंदिर। तो बाबा जी लेके चले तो इन लोगों का हृदय परिवर्तित हो गया। इतने ही संग से हमने आज ये काम जो किया है तो जीवन में कभी नहीं किया कि राधा रानी के चरणों में फूल समर्पित हों, ऐसा काम तो हमने कभी नहीं किया जिंदगी में। हम तो हमेशा अपने अपने स्वार्थ के लिए चोरी करते रहे। ये तो बहुत ही बढ़िया काम हुआ, आज हृदय परिवर्तित हो गया। तो उसी बात को ये कह रहे हैं कि जो श्रेष्ठ पुरुषों में एक शक्ति होती है उसका नाम तेज होता है, जिसके प्रभाव से सामने वाले विषयासक्त और नीच प्रकृति वाले मनुष्य अपना अन्याय का आचरण छोड़ करके उनके कथनानुसार कर्मों में प्रवृत्त हो जाते हैं। अभी बाबा जी के पीछे चल दिए। उन्होंने कहा भाई मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? बोले हम आपके साथ रहेंगे। बोले मेरे साथ कैसे रह सकते हो, मैं तो फकड़ी हूँ। बोले कोई बात नहीं, आप हमें भजन बता दीजिए, हम भी भजन क्या करेंगे। चोर बदल गए। तो ये तेज होता है महात्माओं में, क्षमा, क्षमा भाव। लोग अपराध तो करते ही रहते हैं, लोग गलतियां करते ही रहते हैं, हम भी गलती करते हैं, हम चाहते हैं हमें क्षमा कर दिया जाए, हम तो कभी नहीं चाहते हमें दंड मिले। ऐसे ही हम दूसरों के अपराधों को भी क्षमा करते हैं। धैर्य, दैवी संपदा का एक लक्षण है धैर्य। साधकों में धैर्य होता है, अपनी बात पर ठहर पाना, भजन कर रहे हैं तो भजन में भी रुक पाना, जितना समय भजन करना है उतनी देर उसमें लगे रहना, ये सब धैर्य है। और गलत काम न करना, ये भी धैर्य है। उनमें एक धैर्य होता है। फिर बाहर की शुद्धि, बाहर के कपड़े वगैरह साफ सुथरे पहनना, नहा धोकर साफ सुथरे रहना, कमाई भी अपनी शुद्ध होना, शुद्ध आचरण होना, ये सब बाहर की शुद्धि है। एवं किसी में भी शत्रु भाव का ना होना, किसी में भी हम शत्रु भाव ना रखें। कोई रखता है तो रख सकता है, किसी बात से चिढ़ गया कोई, अब क्या कर सकते हैं, लेकिन हम ना रखें किसी के प्रति। हम क्षमा कर दें और मन ही मन क्षमा मांग लें। सामने हो सकता है तो कहकर मांग लें, नहीं कह सकते तो मन ही मन मांग लें। और अपने में पूज्यता के अभिमान का अभाव, हमारे में एक अभिमान रहता है कि मुझे माना जाए, मुझे पूछा जाए, मुझे मेरा पूजन हो। पूजन मतलब सत्कार हो, आदर हो, सम्मान हो, तो ये सब रहती है। तो ये श्रेष्ठता का अभिमान है। तो ये जो अभिमान है, भगवान कह रहे हैं इसका अभाव, ये सब नहीं होना चाहिए। अब भगवान कहते हैं ये सब जो अभी तक कही गए हे अर्जुन, ये दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुषों के लक्षण हैं। हे पार्थ, दंभ, घमंड और अभिमान तथा क्रोध, कठोरता और अज्ञान भी, ये सब आसुरी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुषों के लक्षण हैं। अब कुछ लोग होते हैं दंभी होते हैं, दिखावे वाले होते हैं, घमंडी होते हैं, अभिमान रखते हैं, अहंकार करते हैं, कुछ होनेपन का घमंड होता है, मुझे ये आता है, मुझे वो आता है, हमारे पास इतनी गाड़ियाँ हैं, हमारे पास इतना पैसा है। तो अभिमान भी होता है, घमंड भी होता है, और उसके कारण वो दिखावा भी करते हैं, ज़्यादा महंगे कपड़े लेंगे, यानी किसी भी तरह शोषा करेंगे। फिर क्रोध आता है उनको, मन की नहीं होती तो क्रोध आता है, कठोरता, सख्ती होती है उनके नेचर में, वहाँ कहा कोमलता देवी संपदा में, और यहाँ होती है कठोरता।
वहाँ उनको ज्ञान होता है, शास्त्र के हिसाब से आचरण करते हैं, मर्यादाओं के हिसाब से, समाज के हिसाब से, संतों की वाणी के हिसाब से आचरण करते हैं। यहाँ पर अज्ञान रहता है, ये मनमाना आचरण करते हैं। ये सब आसुरी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। दैवी संपदा मुक्ति के लिए और आसुरी संपदा बांधने के लिए मानी गई है। इसलिए हे अर्जुन, तू शोक मत कर, क्योंकि तू दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुआ है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि दैवी संपदा तो मुक्ति के लिए होती है, श्रेष्ठ आचरण होता है, जीवन भी सुखी रहता है, चारों तरफ शांति भी रहती है, और आसुरी संपदा परेशान करती है, बांधने के लिए मानी गई, जन्म मरण के चक्कर में लाती है, नरकों तक ले जाती है। इसलिए हे अर्जुन, तू शोक मत कर, तू दुखी मत हो, क्योंकि तू दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुआ है। अर्जुन को तरह तरह का शोक हो रहा है, ये मेरे सामने मेरे वाले खड़े हैं, युद्ध होगा, ये मारे जाएंगे, कितने लोग मारे जाएंगे, कैसे होगा, क्या होगा, बड़े दुख की बात है। भगवान कह रहे हैं शोक मत कर। आगे भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, इस लोक में भूतों की सृष्टि यानी प्राणियों की, मनुष्य समुदाय की सृष्टि दो ही प्रकार की होती है, एक तो दैवी प्रकृति वाले और दूसरे आसुरी प्रकृति वाले। भगवान कह रहे हैं दो तरह के लोग ही होते हैं दुनिया में, दैवी संपदा वाले, दैवी प्रकृति वाले और आसुरी प्रकृति वाले। उनमें से दैवी प्रकृति वाले को तो विस्तार पूर्वक कहा गया, अब आसुरी प्रकृति वाले का भी के बारे में भी मेरे से सुन। आसुर स्वभाव वाले मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति इन दोनों को ही नहीं जानते, क्या ठीक है, क्या करना चाहिए, प्रवृत्ति क्या करना चाहिए, किस में प्रवृत्त होना चाहिए, किस काम को करना चाहिए, और निवृत्ति किस काम से दूर रहना चाहिए, नहीं करना चाहिए, दोनों को नहीं जानते। इसलिए उनमें न तो बाहर भीतर की शुद्धि है, न श्रेष्ठ आचरण है और न सत्य भाषण ही है। बड़ी बड़ी बातें करते हैं, झूठ बोलते हैं, दिखावा करते हैं, मैंने इतना कर लिया, आगे ये कर लूँगा, अरे तुम भी कुछ करो ना, तुम तो कुछ करते ही नहीं, तुम कुछ जानते ही नहीं, बड़े बेवकूफ़ आदमी हो तुम तो, कुछ कर ही नहीं पा रहे, तुम्हारे पास तो इतनी जगह है, बड़ी सी फैक्ट्री डाल लो, बड़ा सा काम कर लो। अब उसकी भी तो सुन लो कि उसके पास पैसे नहीं है तो कहाँ से डाल लेगा फैक्ट्री, अगर लोन ले लेगा सारा तो लोन का रिपेमेंट कैसे करेगा, आप तो भाग जाओगे, उसकी फैक्ट्री देख करके डल रही है, आप तो गायब हो जाओगे, वो फंस जाएगा। तो उनमें श्रेष्ठ आचरण नहीं होता, अच्छा आचरण नहीं होता उनका, दूसरों को दुखी करते हैं, और सत्य भाषण नहीं होता, सच नहीं बोलते, झूठ फरेब चोरी बेईमानी ठगी ये सब रहती है, बाहर भीतर की शुद्धि होती नहीं। नेक कमाई, बाहर की शुद्धि नेक कमाई आती है उसमें मेन, फिर साफ सुथरा रहना तो साफ तो बहुत रह लेंगे, वो सफ़ेद कपड़े पहनते हैं वो लोग ज़्यादातर, सफ़ेद शर्ट सफ़ेद पैंट सफ़ेद जूते, ये उनका पहनावा रहता है, लेकिन होते अंदर बाहर से गंदे हैं, आचरण गंदा तो बाहर से गंदे, सोच गंदी तो अंदर से गंदे। अब कहते क्या हैं वो, ये जगत आश्रय रहित है, इसका कोई मालिक नहीं है, अपने आप बन गया है। डार्विन की थ्योरी के हिसाब से सूर्य से धधकता हुआ गोला आया, ठंडा हो गया, बहुत बारिश हुई, पानी हो गया, कहीं पृथ्वी निकल आई, कहीं पानी हो गया, मतलब कहीं पृथ्वी है कहीं समुद्र है, और उस पर जीव जंतु उत्पन्न हुए, धीरे 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 करके मनुष्य बना, बंदर मनुष्य बनते गए, तो प्रश्न उठता है आज बंदर क्यों नहीं मनुष्य बन रहे हैं, आज बंदर बंदर ही क्यों हैं, उसका जवाब उनके पास नहीं है, बोले वो तो बन चुके, बन चुके क्या हुआ, तो कोई तो मालिक है ना जो चला रहा है इसको सृष्टि को। उमादार जोशित की नाई सबई नचावत राम गोसाई, भगवान सबको चलाने वाले हैं सृष्टि चक्र को, ये वो मानते नहीं हैं। वो कहते हैं कि बिना ईश्वर के है ये संसार, अपने आप स्त्री पुरुष के संयोग से हो गया है, और काम ही इसका कारण है, इसके सिवाय और क्या है। बोला स्त्री पुरुष के संयोग से प्राणी पैदा होते हैं, आगे चलती है सृष्टि, एक क्रम चलता रहता है, जीवन चल रहा है, ऐसे है। इस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है, स्वभाव जो आत्मा का भाव है
वो उनका नष्ट हो गया है। अपने को शरीर जानते मानते हैं और उसी तरह का आचरण करते हैं, असत्य आचरण करते हैं। तो जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है, जिनकी आत्मा के गुण नष्ट हो गए हैं, शरीर भाव में पड़े हैं, जिनकी बुद्धि मंद है, बुद्धि उनकी ठीक ठीक काम नहीं करती, अर्थात सही नहीं सोचती है, उल्टा पुल्टा सोचती है, गलत काम करा देती है, उनको आवागमन के चक्कर में ले जाती है उनकी बुद्धि, ये सबका अपकार करने वाले, दूसरों को दुख देने वाले, क्रूर कर्मी, खराब काम करने वाले, सताने वाले सबको, केवल जगत के नाश के लिए ही समर्थ होते हैं। तो ये आसुरी संपदा वाले हर समय नुकसान करते हैं, गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलेंगे। वो रहते ही इसलिए हैं कि जो गवर्नमेंट इस समय स्थिति में है उसके खिलाफ बोलना, जो अच्छे लोग हैं उनके खिलाफ बोलना, उनको नीचा दिखाना, हो सके तो उनका नुकसान करा देना, तो ऐसे ये सब करते रहते हैं। श्लोक 10। वे दंभ, मान और मत से युक्त मनुष्य किसी प्रकार भी पूर्ण न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके भ्रष्ट आचरणों को धारण करके संसार में विचरते हैं। भगवान कह रहे हैं, अर्जुन तुमको दुनिया में बहुत सारे लोग मिलेंगे जो जीवन में दिखावा करते हैं, अपना मान सम्मान चाहते हैं, और मान सम्मान होता है तो मद से युक्त होकर, मद अहंकार से युक्त होकर किसी भी प्रकार भी पूर्ण न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर, फिर उनकी कामनाएं और बढ़ती जाती हैं। मच वॉन्ट्स मोर, हमारे गुरु का वाक्य है, मच वॉन्ट्स मोर, जिसको जितना ज़्यादा मान सम्मान मिलता है उसकी इच्छा और बढ़ती है, फिर वो हार फूल माला बुके से संतुष्ट नहीं होगा, बड़ी बड़ी कविताएं उसके सामने गाई जाएंगी तब वो थोड़ा खुश होगा, फिर बहुत बड़े बड़े लेक्चर दिए जाएंगे उनके मान सम्मान में तब वो खुश होगा, फिर बहुत सारे उनको पैसे के चेक दिए जाएंगे तब वो खुश होगा, फिर उनके लिए कोई बिल्डिंग संस्था बना के दी जाएगी तब वो खुश होगा, उसके बाद कोई शहर खरीद के दे दिया जाएगा तब वो खुश होगा, उसके बाद पूरा भारत खरीद के दे दिया जाएगा तब वो खुश होगा, उसके बाद पूरी दुनिया खरीद के दे दी जाएगी फिर वो खुश होगा, उसके बाद कुछ रह ही नहीं जाएगा देने को तो वो ना खुश हो जाएगा, वो दुखी हो जाएगा, वो परेशान हो जाएगा। ये भगवान ने कहा कि किसी प्रकार भी पूर्ण न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर, देखा दृष्टांत, अज्ञान से ज्ञान उनको होता नहीं तो अपने सिद्धांत बना लेते हैं, ये ठीक है, ये सही है, ऐसे करना चाहिए, ये गलत है, ये तो मत करो, पर अपने सिद्धांतों के हिसाब से क्या क्या करना चाहिए वो मिथ्या सिद्धांत, झूठे सिद्धांत बना लेते हैं और भ्रष्ट आचरण धारण करके संसार में रहते हैं, उनका आचरण भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे समझ लें कि कोई शुरू में तो सही चला, बाद में उसकी पूरी एक संस्था बन गई, संस्था में बहुत पैसा आता है, उसने कंस्ट्रक्शन कंपनी शुरू कर दी, जो पैसा सर्व के हित के लिए आता था उसने अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी शुरू करके फ्लैट बेच बेच कर पैसा कमा कमा के अपने एसेट्स बना लिए और अपना आश्रम बड़ा 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 बहुत बड़ा कर लिया, कई सौ एकड़ में आश्रम है फलाने संत का, ऐसे हमने सुना होगा कभी, और उनका आचरण भ्रष्ट हो जाता है। तो भगवान कह रहे हैं कि इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए, ऐसे लोग मृत्यु पर्यंत रहने वाली असंख्य चिंताओं का आश्रय लेने वाले, अब उनके मन में चिंताएं लग जाती हैं, छह फ्लोर तो बिक गए, सातवां नहीं बिक रहा है, किसी कारण से नक्शा पास नहीं हुआ है, बना लिया सातवां, अब वो बिक नहीं रहा, अब क्या करें। विषय भोगों के भोगने में तत्पर रहने वाले और इतना ही सुख है इस प्रकार मानने वाले होते हैं, अपने मन माना भोग भोगते हैं उसमें सुखी होते हैं और यही सुख है ऐसा मानते हैं। वे आशा की सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए मनुष्य काम क्रोध के परायण होकर विषय भोगों के लिए अन्यायपूर्वक
धन आदि पदार्थों का संग्रह करने की चेष्टा करते हैं। फिर वही बात आ गई, बहुत सारी इच्छाएं हैं उनको, इच्छाओं का बंधन है, काम क्रोध के परायण होकर काम वही इच्छाएं, इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध आता है उनको, विषय भोगों की लालसा हो जाती है बहुत ज़्यादा, तो बड़े बड़े काम शुरू कर लेते हैं, बड़े बड़े कारोबार, उसमें शराब का धंधा शामिल कर लेते हैं, जुए के अड्डे बना लेते हैं और अन्य जो गलत काम होते हैं भोग सामग्री के उनको शुरू कर लेते हैं, और बहुत पैसा संग्रह हो जाए ऐसी चेष्टा करते हैं। वे सोचा करते हैं कि मैंने आज यह प्राप्त कर लिया है और अब इस मनोरथ को प्राप्त करूँगा, मेरे पास इतना धन है और फिर यह भी हो जाएगा, ऐसे वो सोचा करते हैं कि मेरे यही काम तो हो गए, अब ये काम और रह गए इनको मैं और कर लूँ, ये इच्छा और रह गई है इसको मैं और कर लूँ, इतना पैसा हो गया और आगे और हो जाएगा, ऐसी उनको उम्मीद बन जाती है। वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया और उन दूसरे शत्रुओं को भी मैं मार डालूँगा, अपनी कामना पूरी करना और जो उनके खिलाफ जाता है, जो उनके खिलाफ आवाज़ उठाता है उसको वो मार देते हैं, कोई भी शत्रु जो उनके सामने आता है उसको वो मार देते हैं। मैं ईश्वर हूँ, अब ये हिरण्याकश्यप की भाषा आ गई, प्रहलाद जी को कहता था तो किस विष्णु का नाम लेता है, मैं ही भगवान हूँ मेरा नाम ले, ऐश्वर्य को भोगने वाला हूँ, और उसके बड़ा भारी ऐश्वर्य था, बड़ा भारी साम्राज्य था, मैं सब सिद्धियों से युक्त हूँ, बलवान हूँ और सुखी हूँ। अब वो ऐसा सोचता है कि मैं सब सिद्धियों से युक्त हूँ, यानी मुझे सब कुछ प्राप्त है, सिद्धि होती है मान अपमान में सम रहना, सुख दुख में सम रहना, लाभ हानि में सम रहना, समता ही सिद्धि है। और ये सोचते हैं प्राप्ति ही सिद्धि है, मैंने इतना प्राप्त कर लिया उतना प्राप्त कर लिया, अब मैं सिद्ध पुरुष हूँ, मेरे पास सब कुछ है, बलवान हूँ और सुखी हूँ, मैं बड़ा धनी बड़े कुटुंब वाला हूँ, मेरे समान दूसरा कौन है, मैं यज्ञ करूँगा, दान दूँगा और आमोद प्रमोद करूँगा। इस प्रकार अज्ञान से मोहित रहने वाला तथा अनेक प्रकार से भ्रमित चित्त वाले मोह रूप जाल से समावृत और विषय भोगों में अत्यंत आसक्त आसुरी लोग महान अपवित्र नरक में गिरते हैं। फिर ये सोचते हैं आसुरी संपदा वाले लोग जो हैं कि मैं बहुत पैसे वाला हूँ, बड़े कुटुंब वाला हूँ, खानदान देखो हमारा, मेरे फलाने समधी मिनिस्टर हैं और ये समधी मेरे, बड़ा भारी बिजनेस है इनका, अंबानी से बस थोड़े ही नीचे हैं, और उनका सारा कुटुंब मेरा कुटुंब है, सबसे जान पहचान करते हैं, कोई शादी हो उनके यहाँ वो सबसे पहले पहुँचते हैं, सबसे दोस्तियाँ करते हैं, सबके टेलीफोन नंबर एक्सचेंज करते हैं, नेटवर्किंग उनकी चालू हो जाती है, शादी तो एक तरफ है उनकी नेटवर्किंग चालू हो जाती है। मेरे समान दूसरा कौन है, मैं यज्ञ करूँगा, दान दूँगा, आमोद प्रमोद, मतलब वो काम करूँगा जिससे कि मैं फेमस हो जाऊँ, और भोगों को तो भोगूंगा ही। इस प्रकार अज्ञान से मोहित रहने वाला तथा अनेक प्रकार से भ्रमित चित्त वाले मोह रूप जाल से समावृत, अज्ञान से मोहित रहने वाला, ज्ञान उसको होता नहीं, समझ उसको होता नहीं, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, हम सब भगवान से आए हैं, हम भगवान के बच्चे हैं, वापस हमको भगवान के पास जाना है, ये सब उनको कुछ मालूम नहीं होता, वो सोचते हैं दुनिया ही सब कुछ है और मैं कभी नहीं मरूंगा, ये उनका कंसेप्ट रहता है, मन उनका भ्रमित रहता है, चारों तरफ भागता रहता है, उसमें कोई लक्ष्य बड़ा भगवत प्राप्ति निर्धारित होता ही नहीं, संसार में कुछ करना है, पाना है, भोगना है, इसी में वो लगे रहते हैं और आगे चलकर महान अपवित्र नरकों में गिरते हैं, क्योंकि कर्म बन जाते हैं उनके, बहुत सारे पाप कर्म बन जाते हैं।
वे अपने आप को ही श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी पुरुष धन और मान के मत से युक्त होकर केवल नाम मात्र के यज्ञों द्वारा पाखंड से शास्त्र विधि रहित यजन करते हैं। अब वो अपने आप को तो श्रेष्ठ मानते ही हैं, मैं बहुत बड़ा हूँ, मेरा इतना कारोबार है, मेरे इतने संबंधी ये हैं वो हैं, मिनिस्टर हैं, बड़ी पोस्ट पर हैं, अधिकारी पद पर हैं। घमंडी पुरुष, उनको बड़ा घमंड हो जाता है। धन और मान के मत से युक्त, उनका मान सम्मान तो होता ही है, जहाँ भी हो जाते हैं सब नकली होता है, अंदर से कोई उनको चाहता नहीं, पसंद नहीं करता, बाहर से मान सम्मान करते हैं, दिखावा करते हैं, धन का उनको अहंकार होता है। तो वो जो भी यज्ञ करते हैं, यानी जो भी देना लेना करते हैं, जो भी वो दान यज्ञ करते हैं, वो सब नाम मात्र के लिए होता है, पाखंड से युक्त होता है, दिखावा भरा होता है उसमें। बस हम उस सभा में जाते हैं कि जब हम 1,00,000 रुपया का चेक दान करते हैं तो सबसे पहले हमारा नाम अनाउंस होता है, और एक बार नहीं पूरे लेक्चर में 3-4 बार अनाउंस होता है, तब जाते हैं हम, नहीं तो हम नहीं जाते किसी सभा में। शास्त्र विधि रहित यजन करते हैं। शास्त्रों में ऐसा कहीं नहीं लिखा, शास्त्रों में लिखा है कि एक हाथ से दान दो तो दूसरे हाथ को पता ना चले, इतना सीक्रेट दान होना चाहिए, अर्थात तुम जो भी दो किसी को दिखा कर मत दो, अब कोई देख ले, तुम दिखा कर मत दो, देख ले, किसी को बताना हो तो उदाहरण से बता सकते हैं, कोई पूछे हम क्या दान करें तो देखो भैया आपके घर के बाहर रोज गाय निकलती होंगी, उनको कुछ खिला दिया करो, कुत्ते रहते होंगे वहाँ आसपास में, उनको कुछ बिस्किट डाल दिया करो, और कोई गरीब निकलता हो उसको कुछ पैसे दे दिया करो, गरीब मतलब जो कुछ ना कुछ साधना जरूर करते हों। तो इनमें साधु बाबा जो होते हैं वो ठीक बैठते हैं दान देने के लिए, भिखारी को तो नहीं देना चाहिए, भिखारियों की संख्या बढ़ती है, कुछ करते भी नहीं हैं, सिर्फ अब तो एग्रेसिव होते जा रहे हैं धीरे धीरे भिखारी, जोर ज़बरदस्ती करते हैं, चौराहे पर देखिए आप जहाँ रेड लाइट्स होती हैं कितना जिद करते हैं, कितना बुरा लगता है, तो उनको तो नहीं देना चाहिए, लेकिन जो आवश्यकतामंद हैं उनको दे सकते हैं, लेकिन दिखावा नहीं करना है। अब ये लोग जो होते हैं आसुरी प्रकृति वाले, वे अहंकार, बल, घमंड, कामना और क्रोध आदि के परायण और दूसरों की निंदा करने वाले पुरुष अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी से द्वेष करने वाले होते हैं। अब चलो वहाँ तक तो ठीक था कि वो दिखावा करते हैं, किसी भी बात का मान सम्मान चाहते हैं, अपने को श्रेष्ठ कहलाते हैं, अहंकार करते हैं, लेकिन अब भगवान की भी निंदा करते हैं, दूसरों के लोगों की निंदा करते हैं, उन्हें ये भान ही नहीं है कि सबके अंतःकरण में अंतर्यामी रूप से भगवान स्थित हैं, तो भगवान को कैसा लगता होगा, हमारे हृदय में बैठकर भगवान सुन रहे हैं, हम जब निंदा कर रहे हैं उसके भी अंतःकरण में बैठे हैं भगवान, तो हमारे अंतःकरण में बैठे भगवान को बुरा लग रहा है, तो वहाँ बैठे हुए भगवान तक बात पहुँच गई। कहते ना वाइब्रेशंस ट्रैवल, दे ट्रैवल टू फार, तो हम जो सोचते हैं वो दूसरों तक पहुँचता है, किसी के प्रति बुरा भाव रखते हैं वो समझ ही जाता है कि इनका भाव मेरे प्रति ठीक नहीं है, समझ जाता है। तो भगवान कह रहे हैं कि वे अहंकार ईगो करते हैं, ईगो एजिंग गॉड आउट, भगवान को तो बाहर कर दिया और मैं, ये ईगो कहलाता है, बल, बलवान हूँ, घमंड अपना बल का एक ईगो, कामना अनेक कामनाएं रहती हैं मन में, क्रोध आदि के परायण गुस्सा बहुत आता है उन्हें, दूसरों की निंदा करते हैं और भगवान से भी द्वेष करते हैं। उन द्वेष करने वाले पापाचारी और क्रूर कर्मी नराधमों को मैं संसार में बार बार आसुरी योनि में ही डालता हूँ। अब भगवान कह रहे हैं ऐसे जो लोग हैं जो मेरे से भी द्वेष करते हैं, दूसरों से भी द्वेष करते हैं, दूसरों का बुरा करते हैं, उनका धन छीन लेते हैं, चोरी, ठगी, बेईमानी, 420 सारे गलत काम करते हैं, सबको दुख देने वाले,
पाप का आचरण करने वाले, खराब काम करने वाले, क्रूर कर्म करने वाले, दूसरों को दुख देने वाले, जानवरों की हत्या करते हैं, किसी का भी अगर उनको पैसे मिल जाए तो गला काटने में संकोच नहीं होता। तो ऐसे नरों में अधम, नराधम जो मनुष्यों में नीच प्रकृति के हैं, नीच नेचर के हैं, ऐसे लोगों को भगवान कह रहे हैं मैं बार बार आसुर योनि में ही डालता हूँ ताकि उनका पाप का घड़ा पूरा भर जाए और फटे जब तो उनके दुखों का अंत नहीं होता। कीट पशु पतंग इत्यादि योनियों में जाते हैं, बार बार दुख सहते हैं, जीवन उनका जितने जीवन मिलते हैं आगे के बहुत सारे वो दुखों के ही भंडार होते हैं। तो गुरु के इतने शुक्राने हैं जिन्होंने हमें सब बताया, कितने पाप कर्मों से हमको बचा लिया। अभी भी गलती हो ही जाती है, मनुष्य गलती का पुतला है, गलती अक्सर हो ही जाती है, पर कोशिश करें गलती को न दोहराएं। जो गलती को न दोहराए उसे इंसान कहते हैं। एक अच्छा इंसान वही है जो कोशिश में लगा रहता है कि मेरे पाप कर्म ना बने, मेरे से कोई गलत काम ना हो, मेरे से किसी को दुख ना मिले, मैं किसी की बुराई ना करूं, बुरा ना देखूं, बुरा ना करूं, बुरा ना सोचूं, ऐसे। श्लोक 20। वे मूढ़ मुझको न प्राप्त होकर जन्म जन्म में आसुरी योनियों को प्राप्त होते हैं, फिर उससे भी अति नीच गति को ही प्राप्त होते हैं, अर्थात घोर नरकों में पड़ते हैं। भगवान कह रहे हैं कि जिनको ज्ञान नहीं होता, अंदर में द्वेष रखते हैं, पापाचारी होते हैं, क्रूर कर्मी, गलत काम करने वाले, 420 ठगी, बेईमानी, सब तरह का गलत काम करते हैं। आज एक वाणी में सुन रहे थे कि भारत जो एक समय धर्म प्रधान देश हुआ करता था, तो बीच में समय आते आते करीब 1990-95 में चमड़े का व्यापार यहाँ से बहुत ज़्यादा शुरू हो गया। गवर्नमेंट ने रोक नहीं लगाई और कितने जानवरों को मारा जाता था, चमड़ा निकाल करके विदेश एक्सपोर्ट किया जाता था। फिर गवर्नमेंट ने रूल लगाया, बैन किया इसको, एनिमल किलिंग को, तब जा कर के इस पर रोकथाम हुई, नहीं तो इंडिया नंबर 1 पे आ गया था लेदर एक्सपोर्ट्स में, इतना जानवर मारा जाता था। तो भगवान कह रहे हैं कि ऐसे लोग क्रूर कर्मी, नराधम, नरों में अधम नीच लोग, तो ये बार बार आसुरी योनियों में जाते हैं और उसके बाद फिर घोर नरकों में पड़ते हैं। तो खराब काम करना, गलत काम करना, दूसरे को ठगी करना, गुरुजी एक दृष्टांत सुनाते हैं ना कि एक ज्वेलर्स के यहाँ जब कोई थोड़े गांव का सा आदमी आ जाता था अपनी बेटी की शादी के लिए कुछ लेने के लिए, तो गेट पर ही जो बैठा हुआ दरबान होता था वो आवाज़ लगाता था अंदर, गोपाल गोपाल गोपाल। तो अंदर आके जब बैठता था तो वो जो खड़े होते थे काउंटर पर वो कहते थे गोविंद हरे गोविंद हरे गोविंद हरे, तो अंदर से आवाज़ आती थी हरिओम हरिओम हरिओम। तो कोड वर्ड्स थे उनके। तो काउंटर पे बैठा पूछता था, गोपाल यानी गांव चलाने वाला, गांव का आदमी आया है, क्या इसको हर लें? तो अंदर से आवाज़ आती थी हरिओम हर लो हर लो हर लो। तो वो सोचता था बड़े धार्मिक लोग हैं, यहाँ तो सही चीज़ मिलेगी, और वो उसको सोने में मिलावट करके सस्ता सोना ज़्यादा पैसे में दे दिया करते थे। तो ऐसे नीच कर्म करने वाले लोग कहाँ जाएंगे? फिर उसके बाद ये जो आसुरी संपदा के लोग होते हैं, इनमें काम क्रोध तथा लोभ, ये तीन प्रकार के नरक के द्वार आत्मा का नाश करने वाले, अर्थात उसको अधोगति में ले जाने वाले हैं। अतएव इन तीनों को त्याग देना चाहिए। फिर भगवान कह रहे हैं कि ऐसे लोगों में काम क्रोध और लोभ बहुत होता है और ये नरक के खुले हुए द्वार हैं। तो ऐसे लोग सीधे नरकों में जाते हैं। काम ही इनके लिए सब कुछ है, भोग पदार्थ सब कुछ है, जीवन को देखते नहीं, ऊंचा उठाते नहीं। ऐसी एक बात चल रही थी, डिस्कशन हो रहा था थोड़ा सा, कि आज के जो नवयुवक हैं इनमें एनर्जी बहुत कम हो गई है, क्योंकि सारा टाइम टीवी मोबाइल
और सीरियल्स और तरह तरह के वीडियोस और उसमें कंप्यूटर में लगे रहते हैं। कंप्यूटर मतलब एक तो होता है काम करना, एक होता है टाइम की बर्बादी, व्यर्थ चीज़ों को देखना, व्यर्थ चेष्टाएं। तो ऐसे कर करके इनकी एनर्जी लेवल लो हो गया है। इनमें जो तेज ओज जो डेवलप होता था समय के साथ, वो अब कुछ भी नहीं है। भगवान कह रहे हैं तीनों को त्याग देना चाहिए, काम क्रोध तथा लोभ को। नरक के खुले द्वार हैं, इनको त्याग दो। कामना से क्रोध बढ़ता है, जैसे जैसे कामना बढ़ती है मेरे मन की हो नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, कामना पूरी हो जाती है तो लोभ बढ़ जाता है। तो ये आपस में लिंक्ड हैं तीनों। कामना बढ़ेगी पूरी होगी तो लोभ बढ़ेगा, कामना बढ़ेगी नहीं पूरी होगी तो क्रोध आएगा। तो इसलिए भक्तों में काम की जगह आवश्यकता पूर्ति रहता है, बस उनको रोटी मिल जाए, पहनने को मिल जाए, सोने को जगह मिल जाए, बस उनको और कुछ नहीं चाहिए। दिन भर उनका भजन में निकलता है, उन्हें क्या चाहिए? चाहिए तो उन लोगों को जिनको भजन तो करना नहीं है, तो क्या करेंगे? मन तो सबके पास है, मन चलता है उनको दौड़ाता है, दौड़ाता है तो क्रोध आता है, लोभ बढ़ता है, कामनाएं बहुत हो जाती हैं। आगे भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, इन तीनों नरक के द्वारों से मुक्त पुरुष अपने कल्याण का आचरण करता है, इससे वह परम गति को जाता है, अर्थात मुझको प्राप्त होता है। भगवान कह रहे हैं इन तीनों नरकों के द्वारों से मुक्त, यानी काम क्रोध लोभ से मुक्त अपने कल्याण का आचरण करता है। कल्याण का आचरण कैसे करता है? अपने उद्धार के लिए भगवद आज्ञा अनुसार बरतना ही अपने कल्याण का आचरण करना है। जिसके मन में अपने उद्धार की चिंता होगी, अपने उद्धार का भाव होगा, तो जैसा जैसा भगवान ने गीता में कहा है वो वैसा वैसा आचरण करेगा। भगवान कह रहे हैं इन तीनों नरकों के द्वारों से मुक्त पुरुष, काम क्रोध लोभ से मुक्त पुरुष अपने कल्याण का आचरण करता है, तो क्या होता है? वो परम गति को जाता है, अर्थात मुझको प्राप्त हो जाता है, भगवान को प्राप्त हो जाता है, अर्थात मुक्त हो जाता है। तो मेन कल्प्रिट, भगवान ने जगह जगह बहुत सारी बातें बताई हैं जो हमारी मुक्ति में रुकावट है। यहाँ पर 16वें अध्याय में जहाँ दैवी संपदा के गुणों की बात कही भगवान ने, वहीं पर आसुरी संपदा के गुणों की बात कही। तो वो जो आसुरी संपदा है नरक की तरफ ले जाने वाली है, और दैवी संपदा मुक्ति की तरफ ले जाने वाली है। कोई स्वर्ग मांगता है तो उसको स्वर्ग मिल जाता है, कोई अच्छा जन्म मांगता है तो अच्छा जन्म मिल जाता है, मुक्ति की तरफ चलता है तो मुक्ति मिल जाती है, और जो आसुरी संपदा को लेकर चलता है वो नरक में जाता है। अब यहाँ भगवान कह रहे हैं कि तीनों नरकों के द्वारों से मुक्त अपने कल्याण का आचरण करता है, अर्थात वो परम गति को जाता है, अर्थात वो मुक्त हो जाता है, भगवान से मिलकर एक हो जाता है। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को और न सुख को ही। अब शास्त्र विधि से रहित कर्म करें, मनमाना आचरण करें, जैसी हमारी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी, अपनी इच्छा उसे नचाती है, ऐसा व्यक्ति सिद्धि को तो प्राप्त होता ही नहीं है। सिद्धि अर्थात जीवन में समता, सुख दुख, जीवन मरण, लाभ हानि, ये सब सहने की सामर्थ्य को सिद्धि कहते हैं। कैसा भी समय आए जीवन में वो सम और शांत रहता है, ये सिद्धि है। तो सिद्धि को प्राप्त ना होकर कहाँ जाएगा? जन्मों जन्मों भटकेगा, परम गति नहीं मिलती उसको, और ना ही उसको जीवन में कभी सुख मिलता है, क्योंकि सुख तो समता में है, शांति समता में है, विषमता में तो न सुख है न शांति है, उद्वेग है, हलचल है, परेशानी है, दुख है, रजोगुण का फल है दुख और क्लेश, और दैवी संपदा होगी सतोगुणी व्यक्ति में, रजोगुणी और तमोगुणी होंगे आसुरी संपदा वाले। आगे श्लोक में भगवान कहते हैं
इससे तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। तुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसमें शास्त्र प्रमाण है। जैसा शास्त्र कहते हैं ये करो ये नहीं करो, उसके हिसाब से अपना जीवन चलाना चाहिए। ऐसा जानकर तो शास्त्र विधि से नियत कर्म ही करने योग्य है। अर्जुन, शास्त्र में जो विधान है, जैसे तेरा धर्म क्षत्रिय है, अब तुझे क्षत्रिय धर्म के अनुसार युद्ध करना चाहिए। तू कह रहा है मैं युद्ध नहीं करूँगा क्योंकि तेरे सामने तेरे मोह वाले घर वाले खड़े हैं, तू कह रहा है युद्ध नहीं करूँगा। तो ऐसे नहीं होता, क्षत्रिय का धर्म है कि कर्तव्य कर्म आने पर, युद्ध आने पर वो उसको करे, पीछे न लौटे भागे नहीं। इसलिए तू अपना धर्म के अनुसार शास्त्र विधि से नियत, जो तेरे लिए नियत है कहा गया है, उस कर्म को कर। यहाँ पर अध्याय 16 पूरा होता है। गुरु भगवान के शुक्राना।